दोस्तों Huawei Nova 3i एक ऐसा स्मार्टफोन है जो लुक के मामले में दोस्तों एकदम परफेक्ट है और इस प्राइस में दोस्तों आपको कोई ऐसा और फोन देखने को नहीं मिलता है जो इतना अच्छा आपको लुक दे। लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ ना कुछ जो है कमी कंपनी छोड़ ही देती है और इस फोन में भी दोस्तों कुछ ना कुछ कमी जो है कंपनी ने छोड़ दी है। और अगर हम प्राइस को देखें, 21,000 इसकी प्राइस रखी गई है, उस हिसाब से ये कमियाँ जो है इस फोन में नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Huawei Nova 3i के कुछ कमियों के बारे में जो इस फोन में रह गई है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो जरूर से इस वीडियो को देखिएगा। और आपको पहले मैं बता देता हूं, ये फोन बहुत अच्छा है लुक वाइज अगर हम देखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है इन कमियों को भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों फोन जो है एकदम परफेक्ट लगता है, कैमरा भी यहाँ पे अच्छा दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी सॉलिड है, पीछे का जो डिज़ाइन है दोस्तों वो बहुत ही प्रीमियम है, किसी और फोन में इस प्राइस में आपको देखने को नहीं मिलता है। बैटरी भी ठीक है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक दे दिया है, लेकिन कमियाँ जो इसमें रह गई है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले इस फोन की कमी की बात करें तो इस फोन की प्राइस है 21,000 रुपये और 21,000 की प्राइस में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन के कैमरा में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और इस प्राइस में अगर आप देखें तो बहुत सारे फोन हैं इससे कम प्राइस में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जो है यहां पे देना ही चाहिए था। इसके दूसरे कमी की बात करें दोस्तों तो इस फोन में आपको EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों अगर आप वीडियो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं अपने फोन से तो आपकी वीडियो जो है इतनी स्टेबल नहीं होगी अदर कंपनीज के मुकाबले। जैसे कि Redmi Note 5 Pro में आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो वहां से अगर आप जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसकी जो फुटेज होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी Nova 3i के मुकाबले। तो यहाँ पे EIS का जो सपोर्ट है वो देना चाहिए था अगर हम प्राइस को देखें ध्यान में तो। इसके तीसरे कमी की बात करें दोस्तों तो ये आती है इसके डिस्प्ले को लेके। इस फोन में दोस्तों डिस्प्ले में कोई भी प्रोटेक्शन दिया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, कम से कम Gorilla Glass 3 का तो प्रोटेक्शन इसमें देना ही चाहिए था। इसके चौथे प्रॉब्लम की बात करें दोस्तों तो वो है इसके बैटरी को लेके। यहाँ पे आपको 3340 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, ठीक ठाक बैटरी दी गई है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो चार्जर मिलता है दोस्तों वो है 10W का चार्जर जो कि एक नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी इस फोन में। और अगर हम प्राइस को देखें तो इससे कम प्राइस में दोस्तों आपको मिल जाता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, तो यहां पे क्यों नहीं मिल रहा है, यहां पे फास्ट चार्जिंग तो देना ही चाहिए था। इसके पांचवे कमी की बात करें दोस्तों तो वो आती है इसके चार्जिंग पोर्ट को लेके। इस फोन में दोस्तों मिलती है आपको माइक्रो USB पोर्ट, इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम प्राइस को देखें तो इस प्राइस में आपको माइक्रो USB पोर्ट तो नहीं मिलना चाहिए था, USB टाइप सी तो मिलना ही चाहिए था। इसके छठे कमी की बात करें दोस्तों तो वो ये है कि इस फोन में आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बगैर किसी ऐप के इस फोन से जो है आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ इस फोन में नहीं बल्कि जितने भी Huawei और के फोन हैं उन सब में ये प्रॉब्लम है। आप अगर डायरेक्ट वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास कोई वीडियो कॉलिंग ऐप नहीं है तो बस दोस्तों यही कुछ मिसिंग फंक्शंस जो है मुझे इस फोन में लगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हम प्राइस को ध्यान दें दोस्तों तो कम से कम इसमें तो डिस्प्ले में प्रोटेक्शन होना चाहिए था, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए था और कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होना चाहिए था। बाकी आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों ये फोन जो है बहुत ही अच्छा है लुक वाइज अगर आप कोई फोन देख रहे हैं 20-21,000 में तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट है, जरूर से आप ये फोन ले सकते हैं, लेकिन आप जो है इन कमियों का ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए।